बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन क्यों छूते हैं अपनी पत्नी के पैर? तस्वीर देखी तो फैंस ने पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों की लव स्टोरी सुनकर आप चौंक जाएंगे और पत्नी के पैर छूने का कारण तो आपको हैरान कर देगा। देखिए आखिर रवि किशन ने इस पर क्या किया खुलासा। फिल्मी दुनिया और सियासत में चमक रहे रवि किशन का जब ये डार्क सीक्रेट हुआ रिवील तो लोग बोले ऐसा भला कौन करता है। रवि किशन वो नाम जो फिल्मी दुनिया में भी गजब करता है और सियासत में भी जमकर चमक रहा है, लेकिन अब रवि किशन और उनकी पत्नी के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सब को चौंका दिया है। फैंस ने जब पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है तो रवि किशन ने इसका जो जवाब दिया उसने तो और ज्यादा हैरान कर दिया। एक तो अभिनेता और फिर ऊपर से नेता, और नेता का ऐसा रूप वाकई चौंकाने वाला है। रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। कुछ दिन पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज में रवि किशन एक अहम भूमिका में दिखे थे। इन सबसे इतर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ये सुपरस्टार सोने से पहले अपनी पत्नी प्रीति के पैर छूता है। इसका खुलासा भी रवि किशन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं रोजाना अपनी पत्नी प्रीति किशन के पैर छूकर सोने जाता हूं। हालांकि ये काम मैं उनके सो जाने के बाद ही करता हूं, वो जब जागती रहती हैं तो ऐसा नहीं करने देती। ऐसा करने का कारण बताते हुए कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, इसी कारण से मैं उनके सम्मान में ऐसा करता हूं। वे कहते हैं कि आज मैं जिस मकाम पर हूं उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी वाइफ को है। भोजपुरी स्टार ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, कई बार भूखे भी सोना पड़ता था, तब हर वक्त उनकी पत्नी प्रीति उनके साथ खड़ी रहती थी। रवि किशन और उनकी पत्नी ने प्रेम विवाह किया है। कहा जाता है कि इनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब रवि किशन 11वीं क्लास में थे तभी वो प्रीति को अपना दिल दे बैठे थे, फिर उन्होंने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि वो उससे शादी भी करेंगे। वहीं सिर्फ पत्नी ही नहीं, रवि किशन अपनी बेटियों के भी पैर छूते हैं। बता दें कि रवि किशन और प्रीति की 3 बेटियां और 1 बेटा है। पूरा का पूरा परिवार काफी खुशहाल है। पत्नी के पैर छूने को लेकर रवि ने बताया कि पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और जब हम इस लक्ष्मी का सम्मान करेंगे तभी मां लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आज भी मेरे ऊपर मां लक्ष्मी की असीम कृपा है और इसका कारण मैं अपनी पत्नी को मानता हूं और इसीलिए मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरी पत्नी को पता है कि मैं उसके पैर छूता हूं, लेकिन ये काम मैं तब करता हूं जब उसको एहसास तक नहीं होता। साथ ही अपनी बेटियों के पैर इसलिए छूता हूं कि वो देवी का स्वरूप है और देवी माँ ने मुझे अपने आशीर्वाद से वो सब कुछ दिया जिसका मैं शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी बेटियों को सम्मान देता हूं। और हर शख्स से यही कहना चाहता हूं कि बेटी है तो उसके पैर धोकर उसको सम्मान दीजिए, उसी से आपको सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।